और देखिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बात करें तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ लोगों ने नदी के किनारे अतिक्रमण कर लिया था। ऐसा ही मामला मऊ जिले से सामने आया है जहाँ पर तमाम जो तमसा नदी है वहाँ पर किनारे लोगों ने कब्जा कर लिया था। प्रशासन का बुलडोजर कैसे चला, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अवैध अतिक्रमण का खेल अब नहीं चलने वाला है। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। एक इमारत पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इमारत के आगे का हिस्सा ढा दिया गया है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई रुक नहीं रही है। यह इमारत को जमींदोज करने की तैयारी है। बचे हुए एक पिलर को तोड़ते ही इमारत की छत गिर गई। उसके बाद भी बिल्डिंग पर कार्रवाई जारी रहती है और अब बची खुची इमारत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बुलडोजर एक्शन जारी है और मौके पर प्रशासन की बड़ी टीम मौजूद है। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ से आई है जहां तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मऊ प्रशासन लंबे समय से महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली रही तमसा नदी को बचाने की मुहिम चला रहा है। अवैध निर्माण को गिराए जाने के दौरान मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपने घर का सामान बाहर निकालने लगे। प्रशासन ने कई अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। वहीं लगातार कार्रवाई को देखते हुए लोग अवैध अतिक्रमण को खुद ही खाली कर रहे हैं। ताजा मामला जनपद मऊ के थाना कोतवाली के तमसा नदी बांध का है।